आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिफरेंट बातें बताने जा रहा हूँ। आज तक कभी भी किसी भी यूट्यूबर ने जो बात नहीं बताई है, हमेशा अपने आप में छुपा कर रखी, आज वो सभी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम जब पानी जांच करने जाते हैं तो धरती के अंदर नमी है कि लूज पत्थर है कि एकदम स्ट्रांग पत्थर है, वो सारी बातें मैं क्लियर करते जाऊंगा। ये मेरी हाथ है, देख लो, पहले मैं बता देता हूँ, ये हाथ है। इसमें जब नारियल को हम रख रहे हैं, अगर ऐसी पोजीशन रहती है तो जान लो कि वहाँ पर पत्थर लूज है, और ये नारियल कोई बाहर की तरफ ऐसा कोई उठना शुरू हो गया। एक बार देखा भाई इधर से, अगर ये नारियल ऐसा उठना शुरू हो गया, तो जान लो कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर बहुत ही कठोर चट्टान है, मतलब वहाँ पानी ही नहीं है। चाहे आप 1000 फीट खोदोगे चाहे 1500 फीट खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। अगर ये ऐसी पोजीशन में है तो वहाँ पर नमी है, मतलब वहाँ पर गुंजाइश बनी रहती है। हम उसी एरिया को खोजते हैं कि पानी है, हमें पता चल जाता है, इंडिकेटर है ये, मान कर चलिए। और ये कोई नारियल ऐसा उठना शुरू हो गया अपनी तरफ, तो मान कर चलिए कि वहाँ पर पानी की धार लग गई है। हल्का हल्का शुरू हो तो जान जाते हैं कि वहाँ पानी कम है, जब ये तेज़ी से ऐसा उठ जाए अपने तरफ तो जान लेते हैं कि पानी की मोटी धार है। तो चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। चलो भाई आगे, हमने ऐसे रख दिया है नारियल को, ये एरिया ड्राई है कि सूखा है, अभी हम आपको लंबा कम से कम 25 एकड़ का फासला तय करके बताएंगे। यहाँ पर जब चल रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि पत्थर लूज है, ज़मीन के नीचे आपको मलमा मिलेगा, चूहिया मिलेगी, मतलब मुरुम मिलेगी, चूहिया जो हम लोग बोलते हैं ना पिंगरी छूही छत्तीसगढ़ी में, तो वो भी मिलेगा। उसके बाद लाल पत्थर मिलेगा, वो भी लूज पोजीशन में मिलेगा यहाँ पर, और ऐसी एरिया में ही पानी मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये लूज एरिया है, और ये देखिए ये सामने आ रही है, मतलब ये पानी वाला एरिया है, यहाँ पर पानी है, ये पानी का प्रमाण है। हम यहाँ से हट रहे हैं, ये लूज हो गई, पानी की धार पीछे से क्रॉसिंग में है, सीधी इधर नहीं गई है, क्रॉसिंग में है, देखिए ये। चलो भाई ये अब ये यहाँ से देखो नारियल ये ऊपर क्यों चढ़ रही है, ये देखो नारियल ऊपर चढ़ रही है, मतलब ये है कि यहाँ पर ड्राई एरिया शुरू हो गई है, अब ड्राई शुरू हो गई, यहाँ पर कठोर चट्टान है, यहाँ पर फिर लूज आ गई, मतलब जैसे पहाड़ के हम लोग देखते हैं ना पहाड़ में, कहीं पर टापू अच्छा सा हो जाता है, ऊँचा रहता है, कभी नीचे रहता है, तो सेम स्ट्रक्चर धरती के अंदर भी रहता है। तो वहाँ पर एक छोटे से एरिया में हमको पानी की धार मिला, और यहाँ पर फिर देखो पत्थर लूज हो गई है, नीचे का जो पत्थर है ना, यहाँ पर छुईया मिलेगा, घेरुल मिलेगा, नमी मिलेगी, एकदम ड्राई नहीं है, लेकिन पानी की धार नहीं है यहाँ पर। अब फिर हम चल रहे हैं, 1 एकड़ का फासला तय हो गया है, देखिए यहाँ पर भी पत्थर लूज है, लेकिन यहाँ से अब देखते चलिए ये हमारा नारियल जो बाहर की ओर जाना शुरू हो गया है, मतलब यहाँ पर ड्राई एरिया शुरू हो गई है। हालांकि मैं जिस एरिया में घूम रहा हूँ वहाँ 200 एकड़ की भूमि ऐसी है जहाँ पर एक भी बोर सक्सेज नहीं है, आज उसी एरिया में कम से कम 25 एकड़ में मैं आपको घूम के दिखाऊंगा। ये वीडियो लंबी बनी के लिए, लेकिन आप देखते रहना, ये ड्राई शुरू हो गई, यहाँ पर जब बोर खनन कराओगे तो आपको छुईया कम मिलेगी, प्यूरी छुई कम मिलेगा, घेरुल कम मिलेगी, और उसके बाद सीधा आपको मिलेगा काला पत्थर मिलेगा, तो उसकी बहुत मोटी परत मिलेगी। आमतौर पर यहाँ लोग बताते हैं कि 160 फीट में मोटी परत शुरू हो जाती है काली पत्थर का, वो करीब करीब 600 फीट तक भी चली जाती है, कहीं कहीं 800 फीट तक भी गई है। नारियल बाहर जा रही, मतलब यहाँ ड्राई है, पूरा सूखा है, देख लो भाई, नारियल बाहर की ओर जा रही है, देख लो पूरा, यहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं है। चाहे आप 1000 फीट खोद लो, 1500 फीट खोद लो, 2000 फीट खोद लो, यहाँ पर पानी मिलेगा ही नहीं, ड्राई है। देखो अब ये यहाँ पर पत्थर, तो नारियल थोड़ा सा अपनी ओर आ रही है, ये यहाँ पर पानी की धार है, हम पानी की धार में, और एक धार कहाँ पर है भी बता देते हैं। देखिए ये जो धार है ना, यहाँ पर पानी की धार ही सिंगल में है, पानी जो है ऐसे आकर इस दिशा में चली गई है, ये कठोर चट्ट, देखिए ये जो है बाहर, ये कठोर चट्टान है, और यहाँ पर देखिए ये
चट्टान के बीच, जैसे हमने आपने पहले बताया ना पहाड़ रहता है, पहाड़ के नीचे सब ऐसे खाई बना रहता है, किनारे से पानी निकलती है, सेम पोजीशन यहाँ नीचे से भी निकल रही है। देखो ये इधर आई है, अब इधर क्रॉस करते हैं हम, क्या पोजीशन है, फिर ड्राई आ गई, मतलब यहाँ पर कठोर चट्टान के बीच से पानी गुजरी हुई है। यही कारण है इस एरिया में बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े विद्वान लोग, यहाँ तक कि भू सर्वेक्षण विभाग की टीम भी आकर यहाँ पानी निकालने का प्रयास की, लेकिन फैल खा गया, क्योंकि लाइन बहुत पतली है और एरिया बहुत ड्राई वाला है। फिर ड्राई शुरू हो गया, 3 एकड़ के फासला में सिर्फ 2 बार हमको क्रॉसिंग मिला, फिर ड्राई शुरू हो गई, इधर और ज़्यादा ड्राई आ रहा है, देखो और बाहर जा रही है, मतलब हम मान कर चले कि पहाड़ की टापू में चल रहे हैं, ऐसे मान कर चलिए पूरा बाहर जा रही है नारियल, पूरा ड्राई है भाई, देख लो बहुत मुश्किल से संभल रहा है नारियल, इतनी ड्राई। यहाँ पर अगर कोई किसान बोर करवाए तो वो बर्बाद ही होगा, यही कारण है कि यहाँ सैकड़ों बोर हो चुके हैं, अब तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। और मैं तो इस वीडियो को यह भी बोलूँगा कि इस भू सर्वेक्षण विभाग की टीम, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, अच्छी से देख लो भाई, आपको पत्थर जांच करना है तो एक नारियल ही काफ़ी है, नहीं तो यहाँ कई टीम आ गई, भू सर्वेक्षण विभाग की, पीएचई विभाग की आ गई, लेकिन किसी ने भी पानी नहीं निकाल पाया, कई बड़े बड़े मशीनें भी लगा कर चेक किया गया है, कोई भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन ये नारियल सफल हो रहा है भाई। देखिए हमने 2 जगह पानी बता दिया है, दोनों जगह पानी निकलेगा, सौरी भाई जहाँ पर बता देता है, सौरी भाई का नारियल जहाँ पर खड़ा हो गया ना, मान कर चलो वहाँ पानी है ही, ये देखिए ये हम चल रहे हैं, पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर ड्राई है, एकदम ड्राई है, देखो फुल ड्राई है, लेकिन हमारा अगला कदम देखिए ये पानी की धार है, पानी की धार कहाँ पर है वो भी दिखा देता हूँ, ये क्रॉसिंग में नहीं है भाई, ये तिरछा से आती, ये ऐसी गई है, ये 2 धार पिछले मिली वो इस तरह से थी, ऐसे आई उत्तर से दक्षिण की दिशा में थी, और ये इधर पूरब से है, इधर दक्षिण है, तो दक्षिण और पूरब के बीचों बीच से इस तरह से निकली है, देखिए ये जो धार है ये धार है ये, तो हमें यहाँ पर धार तो बता ही रहा है, लेकिन हम मेन टॉपिक है पत्थर कैसा है ये बता रहे हैं। चलिए फिर ड्राई बहुत ज़्यादा ड्राई है, देखो बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये देख लीजिए भाई, ये यहाँ पर कहाँ से पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा पानी, उसी एरिया में ज़्यादा सक्सेस रहता है, हमारा ट्यूबवेल उसी एरिया में सक्सेस है जहाँ पर नज़दीक में धार चलती रहती है, हमारे गांव में भी उसी एरिया में लोग पानी जांच करके ज़्यादा सफल हुए हैं, जहाँ पानी की धार बहुत अधिक है, लेकिन इस एरिया में फैल हो गए हैं, यहाँ सिर्फ पास होगा तो सौरी भाई ही पास होगा, बाकी कोई पास नहीं हो सका अभी तक। तो चलिए भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये हाथ को भी सहारा की जरूरत पड़ रही है ना, लंबा हो गया, करीब करीब हम लोग 8 एकड़ की फासला तय कर लिए हैं। चलिए भाई आगे चलिए, देखिए पूरा ड्राई है, ये ड्राई है, पूरा ड्राई है, यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। और हम आपको यहीं पर बता देते हैं, ये देखिए बाजू में एक बोर खनन हुआ है, 1000 फीट गहरा है वो, फिर भी पानी की बूंद नहीं लगी है उसमें, कारण क्या है हम उसको अगली वीडियो में बताएंगे, फिलहाल हम पत्थर की जांच कर रहे हैं, पत्थर के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए देखो भाई अपने घर में भी प्रयोग करके देखना, अगर नारियल बाहर की ओर जा रही है ना तो मान के चलो एक बूंद भी नहीं है। और कई लोग क्या करते हैं, पानी जाँच करने वाले बता देते हैं, नारियल चाहे इधर आए या उधर जाए, बोल देते हैं कि पानी बहुत कम है, भैया अगर बाहर जा रही है तो पानी अपने अपने बस की बात नहीं है, है ही नहीं पानी, ड्राई है एकदम, इधर देखो पूरे बाहर, ये यहाँ पर तो भक्कम बाहर है, देखो ये है ड्राई, ये है ड्राई के पहचान, इसी कारण है कि यहाँ कोई बोर अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, पूरा ड्राई एरिया है, इसीलिए कई लोग उम्मीद यहाँ से छोड़ दिया है कि इस एरिया में पानी नहीं मिलेगा। देखिए उतने करीब कोई 10 से 12 एकड़ की फासला हो गया है, चलते चलते सिर्फ 3 जगह ही पॉइंट धार मिली है, पॉइंट तो नहीं मिला है अभी, 3 जगह धार मिले, उसी में से पॉइंट भी मिलेगा। देखो यहाँ पर अब चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर हलचल तेज हो गई है,
देखो इधर फिट रही है, फिर हम हमारा अगले कदम में ये हलचल तेज हो गई है। ये मेड़ है, ये मेड़ के बस मेड़ के चढ़ाव पर ही पानी है। ये अब इसकी धार किधर है? ये इधर नहीं है, देखो इधर इसकी धार नहीं है, इसकी धार यहाँ तिरछा है। तिरछा ये भी पूरब और दक्षिण के बीचों बीच से होकर ऐसी आई है। दो धार की दिशा पूरब से पश्चिम है, अब इसकी दिशा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर फिट रही, टोटल चार धार हो गई, लगभग लगभग 16 एकड़ का फासला हो गया अब तक। देखो अभी हम लोग कोसमर्रा की खार को छोड़कर देवरी के खार में जा रहे हैं, नहर नाली के करीब। वो भी खार लगभग सूखा ही है, एक ही दो वोट सक्सेस हुआ अभी तक। और जो हमारा जो कैमरा मैन है ना डायमंड वैस जी, वो भी देवरी के उसी के खार में जाने वाले हैं अभी। ये देखो उनका भी एरिया लगभग ड्राई वाला एरिया शुरू हो गया है। देखो नारियल बाहर जा रही है, मतलब इंडिकेटर फुल है। जैसा कि हम लाइट चालू करते हैं ना, देख लेते हैं कि लाल लाइट जल रही है। हाँ यहाँ से चेंजेस, पत्थर चेंजेस हो रहा है, ड्राई वाला एरिया पत्थर लगभग 17-18 एकड़ में फैला हुआ है। अब यहाँ देवरी खार की इस पत्थर को देखो, थोड़ा सा इस पत्थर में लूजपन है, लूज पत्थर सॉफ्ट हो रही है। देखो ये पत्थर, ये नारियल जो है पोजिशन में आ गई है, मतलब यहाँ से पत्थर चेंज हो गया है। देखिए बाहर नहीं जा रही है, अब फिर जाना शुरू हो गया, मतलब कुछ दूरी तक पत्थर चेंज हुई है। इसका अनुमान यही लगा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। जहाँ से पत्थर चेंज हुई है लगभग लगभग 20 फीट के अंतराल में, तो मान के चलिए वहाँ एक सुरंग है, कभी वहाँ पानी की धार रही होगी। अब उसी सुरंग में हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो गेप बना है ना उसमें कहीं ना कहीं पानी निकलेगा। तो भाई आप उसी धार में फिर चेक करना, पानी निकलेगा। और जितने भी पानी जांच करने वाले हैं वो भी देखो अच्छी से, वीडियो अच्छे से देख लो भाई, ताकि किसी भी किसान को ये धोखे में मत रखना कि यहाँ पर पानी है। और एक चीज़ और है, जब पानी जांच करने जाते हो ना यार, पूरा खेत को पहले घूमना। अभी क्या होता है, पानी जांच करने वाले आएंगे, कहीं पर एक दो कदम चलेंगे और वहीं पर बैठ जाएंगे, यहीं पर पानी का अगर बता देते हैं, थोड़ी सी अगर कोई झीरा भी मिल गया तो बता देंगे भक्कम पानी है। तो ऐसा मत करो यार, पूरा घूमो, मेहनत करो, किसान का भी मेहनत का पैसा लगता है, उसको भी देखा करो। हम एक दिन मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा दो चार ऊपर ले लेना, लेकिन मेहनत अच्छे से करना। देखो यहाँ फिर ड्राई एरिया शुरू हो गई है, लूज वहीं पर थी। तो पानी की पहचान वहीं से करना है जहाँ पर लूज है। ये कठोर पत्थर है, एकदम फर्शिंग पत्थर निकलेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। देखो ये यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, पूरा ड्राई है ये, देखो बाहर ही जा रहा है। इसको प्रैक्टिकल करके भी देखना है घर में, फिर यहाँ पर पत्थर में चेंजेस मतलब नारियल खड़ी हो। यहाँ पानी की पतली धार है, यहाँ पर 1.5 से 2 HP तक का पानी निकल जाएगा। आमतौर पर बोला जाता है कि पूरब से पश्चिम रहती है पानी की धार, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस होने का वजह है कि नीचे जमीन के नीचे ये पहाड़ी एरिया बन गया है, मानकर चलिए, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस आ रही है। जहाँ जहाँ खाई रहती है ना गड्ढा, पहाड़ के नीचे देखना कहीं किनारे से पानी निकली होती है, राउंड रहती, बस सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। और बाकी खार में क्या होता है, पानी सीधी निकली रहती है, वहाँ पानी ज़्यादा रहता है, यहाँ बहुत मुश्किल से मिलेगा पानी, मिलेगा लेकिन खोजने वाला अच्छा होना चाहिए। और नहीं मिलेगा तो ये सॉरी भाई, अभी जिंदा है यार, बुला लेना। देखो फिर ड्राई, देखो फिर एक बहुत ज़्यादा ड्राई शुरू हो गया है। यहाँ तो जितने हम घूमे हैं ना उससे भी ज़्यादा ड्राई शुरू हो गया है। ये देखो पूरा बाहर जा रहा है, अगर मैं तो मेरा थोड़ा सा भी प्लेंस बिगड़ेगा ना तो ये नारियल गिर जाएगी। देखो पूरा लास्ट स्टेज में पहुंच गई है, मतलब इससे ड्राई और कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा ड्राई। यहाँ 2000 फीट भी खुदाई कर दो कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ना यार जब पानी जांच करने जाता हूँ इसी चीज़ को देखता हूँ कि नारियल कैसी है। हाँ अभी समान स्ट्रक्चर में, समान स्थिति में, यहाँ से पत्थर फिर चेंज हो गई है, मतलब जहाँ से पत्थर चेंज हुई है देखिए ये यहाँ पर ड्राई है, फिर यहाँ जा रहे हैं पत्थर चेंज हो गई, देखो चेंज हो गई, पत्थर लूज पत्थर है, यहाँ पर लगभग लगभग 15 फीट हो गया है, लूज है अभी भी, लूज है। अब देखो यहाँ पर चेंज हो रही है,
यहाँ पर पानी है। मैंने कहा ना, जहाँ पत्थर लूज होती है वही गुंजाइश होती है पानी की। ये इसमें पानी है। अभी कितना पानी है इसको भी देख देते हैं। अभी हम पानी का जांच तो नहीं कर रहे हैं, पत्थर के ही बारे में बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पानी मिल रही है वो भी बताते चल रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये तिरछे से है, इधर से है ये। तो कितनी चौड़ा है यहाँ पर पानी की चौड़ाई, जिसमें धार बह रही है बहुत अच्छी है। ये किसका खेत है पता नहीं भाई, अगर खेत मालिक होते तो उसको बता देता यार, यहाँ पर बोर्ड लगा लोग। अगर यहाँ पर पानी बहुत बढ़िया कंडीशन, यहाँ पर आराम से 5 HP का मोटर चलेगा। ठेका ले लूँ ना यार तो अच्छा पैसा कमा लूँगा, लेकिन खेत मालिक का पता नहीं है। और ये सॉरी भाई ना यार, आगे चल के पूरा ठेका वाला ही काम करेगा, किसानों को नहीं भुगताएगा ये, क्योंकि ये बोर ड्रिलिंग करवाओगे ना तो बोर करवाओ खोदने वाले बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, तो अपन भाई ठेका लेंगे। पानी निकलेगा यार तो पैसा देना, नहीं निकलेगा तो मत देना, वैसी वाला सिस्टम करेंगे। अभी शुरू हो गया है काम, लेकिन उसको अभी अलग वीडियो बना के बताएंगे। तो देखो ये फिर ड्राई शुरू हो गया, ड्राई शुरू। इस वीडियो में डिटेल बताने का उद्देश्य यही है कि पत्थर की पहचान कैसे करें, कहां पर पानी मिलेगा कहां पर पानी नहीं मिलेगा, इस चीज़ को हम बता रहे हैं। जहां पत्थर लूज रहेगी वहीं पर पानी की गुंजाइश होती है। अब इस तरह से बाहर भाग रहा है वहां पानी की गुंजाइश नहीं है, मतलब मान के चलिए कि इंडिकेटर है ये। नारियल से पानी जांच करने वाले भाई लोग अच्छी तरह से देख लो, इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन करके आपको नहीं बताया होगा। यहाँ तक कि जब मैं जो बात बता रहा हूँ उसको पानी जांच करने वाले को भी पता नहीं रहता कैसा होता है, वो कहीं भी अपना बढ़ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बोल देगा पानी है नहीं निकलेगा, बोल देगा भैया अंदर की बात कौन जाने, लेकिन इससे पता चलता है। देखो ये फिर ड्राई पूरा शुरू हो गया है। देखो हम लगभग 22 एकड़ की दूरी तय कर चुके हैं, हाथ में भी दर्द शुरू हो गया, इसको सहारे की ज़रूरत है यार। देखो लेकिन आपको बताने के लिए हम ये सब मेहनत कर रहे हैं, तो यार हमारा भी हक बनता है कि आप लोग जब वीडियो देखते हो पूरी तरह देखते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया जरूर किया करो। सब्सक्राइब नहीं करते ना यार तो थोड़ा सा मन होता है कि वीडियो और डाले कि ना डाले, थोड़ा मन में कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन सब्सक्राइब कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना भी मनोबल बढ़ता ही रहेगा। देखो ये पूरी ड्राई है, पूरी तरह ड्राई है, पूरी तरह ड्राई है। हम देवरी की खार में आ गए हैं, यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई है। देखो पूरी तरह से ड्राई है, नहर पार में भी आ गए हैं। हमारा कैमरा मैन नहर में उतर गया, हम भी उतरने वाले हैं भाई। देखो ये ड्राई है, देखो ये ड्राई है, देखो ये भी ड्राई है, नहर के बेड में भी ड्राई है, इस सीमा में ये भी ड्राई है, थोड़ा सा लूज आया था, ये भी ड्राई है। देखो देखो पूरा पूरा ड्राई एरिया है। हाँ इधर से एरिया चेंज हो रहा है, इधर से एरिया चेंज हो रहा है, देखो इधर से एरिया चेंज हो रहा है। मैं नहर के जो किनारे में बेड बनाया था उसी में चल रहा हूँ, इधर का पत्थर चेंज हो गया। हालांकि मैं पत्थर में चल रहा हूँ लेकिन पोजीशन मुझे अंदर की बता रही है। यहाँ पर भी देख लो, जो सीमेंट का कंक्रीटीकरण हुआ है उसमें चल रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान उसमें नहीं है। आप जहाँ पर अपने दिमाग को दौड़ाओगे वहीं पर ध्यान जाएगा, अगर मैं यहाँ पर दिमाग दौड़ाना शुरू कर दूँगा तो यहीं की पोजीशन बताएगा, लेकिन मेरा मनोस्थिति जो है अंदर की ओर जा रही है, इसलिए ये अंदर की पोजीशन को बता रहा है। देखो अभी तक ड्राई शुरू हो गया, सिम पत्थर में चल रहा था लेकिन पोजीशन अलग अलग थी। अब इधर से नीचे उतर जाता हूँ, ये यहाँ पर लूज है, इस एरिया में लूज है, लेकिन यहाँ पानी जांच बोर बहुत कम है। लोगों को यही धारणा बन गई कि इस एरिया में पानी ही नहीं है। और देखो पत्थर लूज है जरूर लेकिन यहाँ तक पानी नहीं आई है, आधा एकड़ से ज़्यादा की दूरी हम तय कर लिए हैं। कारण क्या है उसको थोड़ा देखते हैं, पानी कहाँ पर है। पत्थर लूज है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पर शुरू हो गया हार्ड पत्थर, लूज पत्थर में पानी नहीं है, मतलब आपको उसी एरिया में फिर जाना पड़ेगा जहाँ 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 लूज मिली है वहाँ वहाँ जाते रहोगे कहीं पर आड़ा तिरछा धार मिलेगी। यहाँ पर फिर चलते हैं, देखो क्या स्थिति बनती है। तो यार हम अब तक लगभग 30 एकड़ की दूरी को फासला कर चुके हैं,
हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी यार, MB भी बहुत खपत होगा, डाउनलोड करने में दिक्कत होगी। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम अपनी वीडियो को यहीं पर क्लोज करें। हमने आज आप लोगों को बताया पोजीशन, पानी जांच कैसे करना। उससे पहले जितने भी पानी जांच करने वाले भाई लोग हैं ना, आप लोग पहले पत्थर की जांच करो, वहाँ पर हार्ड सॉइल है कि सॉफ्ट है, कि वहाँ पर दलदल है, कि वहाँ पर पानी फैली हुई है। जब आप पहले इस चीज़ की जांच करना सीख जाओगे ना, उसके बाद कहना कि भैया यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, और उससे पहले ना यार मत कूदना कि यहाँ पर पानी है। पहले पत्थर परखना सीखो, पारखी बनो पत्थर का, वहाँ पर की पोजीशन का, उसके बाद बताना कि भैया यहाँ पर पानी है। मैं पहले यार जांच किया, बहुत मेहनत किया हूँ उसमें, एक दो दिन का ये बात नहीं है। लोग सब घर में ना गर्मी में धूप में सोए रहते थे, तो मैं एकदम जेठ बैसाख में भी खेत में घूम घूम कर देखता था कि कैसी पोजीशन, बरसात में भी देखा, ठंड में भी देखा, गर्मी भी देखा, सारी परिस्थिति में देखा कि क्या होती है, क्योंकि हर मौसम का अपना एक अलग अनुभव होता है। तो सारी सभी चीज़ का कंक्लूशन करने के बाद मैं आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, भैया ऐसी पोजीशन रहेगी तो पत्थर लूज है, बहुत सारा चेंजेस होगा वहाँ पर। और ऐसी बाहर जाने लग जाए ना, इस एरिया से अगर बाहर जाने लग जाए, ऊपर के उठना उधर बाहर की ओर, तो जान लो कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ड्राई है, और यही चेंज होकर अपनी तरफ आ जाए ना, तो जान लो कि वहाँ पर पानी है। अब एकदम स्लोली स्लोली ऐसे करके उठे ना, तो जान लेना पानी गहरा में है और अच्छी पानी है। और सट से उठ जाना तो जान लो कि पानी ऊपरी लेवल में है, लेकिन धार है। और धार नापने के लिए अब बैठ कर आराम से देख सकते हो, उंगली कर कर के एक हाथ में ऐसे नारियल ले लेना, और ऐसे उंगली से करते रहना जैसे कि मैं करता रहता ना वैसी, तब आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या बोर करवाना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, मैंने बोर खुदाई का काम शुरू करवा दिया है। मैंने किसानों से बोल कर रखा है कि भाई पानी निकलेगा तो पैसा देना, पानी नहीं निकलेगा तो पैसा मत देना। अभी होता कि आप लोग किसी बोर वाले से बात करोगे, वो बोल देंगे भैया ठीक है 90 रुपया या 100 रुपया जैसा भी उनका रहता है चार्ज, उस हिसाब से बोल देगा पर फीट हम खुदाई करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, चाहे 1000 फीट या 1200-1500 फीट भी खोदना पड़े तो मैं खोदवाऊँगा, ये मेरी रिस्क है। उसके बाद पानी निकलेगा तो पैसा देना, पानी नहीं निकलेगा तो पैसा मत देना। लेकिन हाँ यार, चार्ज थोड़ा ज़्यादा है मेरा, क्योंकि गारंटी भी लेता हूँ। कई बार होता क्या, पानी आने के बाद भी कैसे ही नहीं डल पाती, बहुत सारा समस्या आ जाती, इसलिए मेरा चार्ज ज़्यादा है। भले एक बार खर्चा करो, लेकिन आपकी कई पीढ़ी राज करेगी, इसको भी देख लो। तो भाई हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले सॉरी भाई को इजाज़त दीजिए, और मेरे वीडियो के नीचे में जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है वहीं पर क्लिक कर देना भाई। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7000716599। तब तक के लिए जय जोहार।